जी साहब, हमारे बच्चे को 2 दिन हो गया ये गाड़ी पे आकू, इन लोग क्या करे, उसको बाहर से लाग डाल को चले जा रहे। हम लोग इधर इंसाफ मांगे तो पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस कुछ साथ नहीं दे रही। लाख डाल को जाने के बाद में उसको बंदी बनाए, शटर उठा के देखे तो लाख है और उसको मार दिए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पहले कॉल आती है कि अशफाक भाग गया और फिर 3 मिनट बाद ही खबर आती है कि अशफाक नहीं रहा। क्या है 3 मिनट में की गई इन 2 रहस्यमयी कॉल्स का राज, आइए जानते हैं मामला। जी साहब, हमारे बच्चे को 2 दिन हो गया ये गाड़ी पे आकू, इन लोग क्या करे, उसको बाहर से लाख डाल को चले जा रहे और लाख डाल को जाने के बाद में उसको बंदी बनाए। सुबह में उसका लाश देखे तो उन्होंने क्या करे, उसके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, शटर उठा के देखे तो लाख है और उसको मार दिए। और अब हम लोग इधर इंसाफ मांगे तो पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस कुछ साथ नहीं दे रही और जो लोग आ रहे वो उनका ही बात कर रहे। अशफाक लगभग 19-20 साल के, जो कि कैथवाड़ा भरतपुर राजस्थान के रहने वाले थे, घर से दूर तेलंगाना में जाकर नौकरी कर रहे थे। पिछले 7-8 महीने से तेलंगाना में JCB चलाने का काम कर रहे थे। पिछले महीने 29 जून को ईद थी। अशफाक 29 जून ईद के लिए छुट्टियां लेकर घर जाना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने अपनी कंपनी से भी बात की थी, लेकिन किसी कारणवश ईद की छुट्टियों पर अशफाक घर ना जा सका और उसे किसी दूसरी जगह JCB का काम चालू रखना पड़ा। इस दूसरी जगह पर काम करते हुए अभी 3-4 दिन ही हुए थे कि खबर आती है कि अशफाक नहीं रहा। अशफाक, जिसके घर में माँ बाप, 5 भाई और 3 बहनें हैं, खबर सुनकर सन्न हो जाते हैं। परिवार वालों को JCB कंपनी सेठ की तरफ से पहले कॉल आती है कि अशफाक भाग गया है और 3 मिनट बाद ही कॉल आती है कि अशफाक नहीं रहा, जिसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने और उनका कहना है कि पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। यहां सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण से JCB चलाने वाले नौजवान की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और ऐसी क्या वजह है कि पुलिस भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। ये बात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। परिवार वाले इस कदर निराश हताश हैं कि उनका कहना है कि जब रिपोर्ट मीडिया में भी आ चुकी है, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनका बच्चा भी जा चुका है तो अब किसी से कहने करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में तेलंगाना सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लें और कार्रवाई करें, ताकि आम जनता, जिनमें ड्राइवर भी शामिल है, का विश्वास सरकार पर बना रहे और ड्राइवर अशफाक को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर।